बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद बहुज़ूर सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए दोस्तों, आज रमज़ान का पहला दिन है और रमज़ान का आगाज़ हमारे पौदीना कॉर्नर से। तो मैं आज ये लगा रही थी, पुदीना लगा रही थी, ये कल मैं लेके आई थी रमज़ान में पकौड़ों में डालने के लिए पुदीना। देखें तो 7-8 गड्डी पुदीने की लेके आ गई थी मैं ये। तो उसको मैंने क्या किया कि देखिए, इसकी पत्तियां तो मैंने निकाल के इस तरह से ये सुखा के रख दी, सुखाने के लिए रख दी हैं। और इसकी डंडियाँ जो थी, रमज़ान में पुदीने का इस्तेमाल बहुत होता है ना, पुदीना भी हमारा यूज़ होता है चटनी में भी, पकौड़ों में भी और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। कल हमने शामी का वगैरह बनाए थे तो उसमें भी यूज़ हुआ, तो काफ़ी सारा मैं पुदीना लेके आई थी। तो देखेंगे मैं लेके आई थी इस तरह। फिर मैंने क्या किया कि ये जो ऊपर की मोटी मोटी पत्तियाँ थी वो तो मैंने निकाल के उसको सूखने के लिए भी मैंने आपको दिखाया कि वो इस मेरे तसले में सूखने के लिए रखी हुई हैं। और इस तरह की मैंने ये डंडियाँ देखें बचा ली थी, ये देखेंगे ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये सब ये मैंने बचा ली थी। तो ये मैं लगा रही थी, अक्सर ऐसे काम करती रहती हूँ लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाती, तो आज मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बना लूँ। तो ये मैंने इस तरह की बोतलें निकाल रखी हैं अपनी, देखेंगे इनके सारे होल्स के अंदर ये मैं पुदीना अपना लगाऊंगी इस तरह से। ये यहाँ पे मेरी ऐसी बोतल रखी है, ये इस तरह से भी बोतल रखी है मेरी ये, और ये देखें इस तरह से ये मैं इस तरह से लगा रही थी। तो मैंने सोचा छोटा सा ये हमने अपने पाकिस्तान कॉर्नर में पाकिस्तानी झंडे के प्लांटर जो है उसमें लगा रखा है ये। और देखेंगे हमारा ये लगा हुआ है पुदीना, ये लगा हुआ है, ये हम सारा पुदीना कॉर्नर बना रही है। पुदीना बहुत काम आता है गर्मियों के अंदर। देखेंगे छोटी छोटी सी हमने ये साथ ही क्या किया कि हमने ये इसकी ये छोटी छोटी ब्रांचेज ली है और बस इसको सिंपल अंदाज से ऐसा कर दिएगी। और सॉइल मीडिया बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखें ये मेरी डिकम्पोस्ट हुई हुई है, किचन वेस्ट रखी हुई है, वो पीछे जो मैंने इसकी अपने पुराने प्लांटर्स की निकाल के ये सॉइल वहाँ पर धूप में रखी थोड़ी सी, अभी इसको धूप लग जाएगी, थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो वो मैं लगाऊंगी। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने किचन, और देखिए मेरा किचन वेस्ट भी रखा हुआ है, ये वो पीछे भी रखा हुआ है, थैलियाँ बंधी हुई है। तो पहले मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर बिछाई, इसके अंदर ऊपर से भी मैंने किचन वेस्ट की लेयर बिछाई है, और यहीं पर मेरी वुड ऐश भी रखी है पीछे पतीली के अंदर ये। तो अभी मैं थोड़ी सी वो भी इस तरह डालूँगी। अभी इसमें मैं लेयर बिछाना भूल गई मैं, वरना इसमें मुझे लेयर बिछानी थी, क्योंकि धूप इस वक्त देखें बहुत तेज़ है और गर्मी भी आज अच्छी खासी हो रही है, तो दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है, तो भूल गई वुड ऐश डालना ना इसके अंदर। तो अभी खैर अगले प्लांटर्स के अंदर मैं डालूंगी इसके अंदर, इसके अंदर मैं ऊपर से डाल दूंगी थोड़ा सा। अब इसके अंदर हमने क्या किया, देखिए हमने ये इस तरह से ये बॉटल निकाली इसके अंदर, क्योंकि यहाँ तो पुदीना पूरा गच जाएगा ना, तो पानी डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसके अंदर यहाँ डाल देंगे, ये भरी रहेगी ना बोतल ये, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पानी हमारा मिलता रहेगा। ये पुदीनों को हमारे इसकी तासीर गर्म होती है पुदीने की ना, तो इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है और इसको थोड़ी छांव भी दरकार होती है। तो हमने ये अपना शेडेड एरिया जो है हमारे पूरे, देखें फैन में धूप फैली हुई है लेकिन इस एरिए में हमारे छांव है थोड़ी सी, ऐसा था इस तरह से आती जाएगी धूप भी, लेकिन काफ़ी हिस्सा हमारा ये शेड में रहता है। तो ये मैंने एरिया अपना इसके पुदीना कॉर्नर के लिए बनाया है ये। तो देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको मैंने किस तरह से लगाया इसको, ये देखें ये मैंने इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैंने ये, मैंने सोचा आज रमज़ान के आगाज़ पर आपसे छोटी सी वीडियो शेयर कर लूँ। ये बस इसको इस तरह से लगाती जा रही है ये, जो सॉइल हमारे मीडिया जो है बहुत नरम है, सॉफ्ट है बिल्कुल, तो ये इसकी स्ट्रीम्स जो हैं आराम से अंदर जा रही हैं ये। तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये इस तरह मैं काफ़ी सारे प्लांटर्स बनाऊंगी और दिखाऊंगी आपको इस तरह से, फिर जब ये इसके पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, ये पूरे ग्रो कर जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर भी हम आपसे शेयर करेंगे ये। अभी इसका मैंने ग्रो करते हुए आपसे शेयर किया, इसकी कटिंग्स लगाते हुए। तो दोस्तों अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के हबीब से बहुत सारी मोहब्बतों की तजदीद के साथ, अल्लाह ताला हम आपसे आपके महबूब से बहुत प्यार करते हैं, हमारी मोहब्बतों को कबूल करें, हमेशा हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखें, अपने करम के साए में रखें, हमसे राज़ी रहें। और मेरे तमाम फ्रेंड्स को रमज़ान मुबारक, अल्लाह हाफिज़।